आज के इस वीडियो में हम आपको 5 सच्चे और अच्छे प्रश्न उत्तर बताने जा रहे हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सेट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सच्चे प्यार की पहचान क्या है? आंसर, जब व्यक्ति किसी को बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी अपेक्षा के अपना मानने लगता है, उसे प्यार करने लगता है, उसके हर सुख दुख में साथ देता है, उसे हमेशा खुश देखकर हर संभव मदद करने को तैयार हो जाता है, जीवन की बुरी से बुरी स्थिति में भी उसके साथ रहना चाहता है, उसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। और साथ ही अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा, वो आप पर किसी तरह का दबाव डालने की कोशिश नहीं करेगा, वो आपको फिजिकल रिलेशन के लिए फोर्स नहीं करेगा, वो आपको छोटी छोटी बातों पर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा, हर बात पर आपसे नाराज या झगड़ा नहीं करेगा और किसी भी बात के लिए ज्यादा बंदिशें भी नहीं लगाएगा, उसे कहते हैं सच्चा प्यार। क्वेश्चन नंबर 2, लड़कियां ब्रेकअप क्यों करती हैं? आंसर, ब्रेकअप के बाद लड़कियां बहुत दुखी हो जाती हैं। वे किसी तरह खुद को संभालती हैं और कोशिश करती हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा खुश रहें ताकि उनका दुख बाहर ना आ पाए और दिल दिमाग को थोड़ा सुकून मिल सके। उनके खुश रहने के पीछे का एक कारण ये भी है कि उनको मुस्कुराता देख उनके एक्स को जलन हो और वो बता सके कि वह अकेले भी खुश रह सकती है। अक्सर लड़कियां ब्रेकअप के बाद अपने एक्स बॉयफ्रेंड के अफेयर के बारे में जानने की कोशिश करती हैं। वह इस बात की जासूसी करती हैं कि रिश्ता टूटने के बाद वह किसी दूसरी लड़की के साथ तो नहीं है या फिर उसकी गर्लफ्रेंड कौन है। ऐसा वो इसलिए करती हैं ताकि एक्स की नई गर्लफ्रेंड में क्या क्या कमियां हैं वो दूर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3, लड़कियां भाई क्यों बोलती हैं? आंसर, वैसे तो लड़की आसानी से किसी लड़के को भाई नहीं बुलाती, लेकिन अगर वह किसी को भाई कहती है तो इसके पीछे की वजह होती है लड़की का उस लड़के पर विश्वास। लड़की अपने जीवन में सबसे ज्यादा अपने भाई पर भरोसा करती है, वह अपने भाई की आड़ में सुरक्षित महसूस करती है। यही वजह है कि अक्सर एक लड़की किसी लड़के को अपना भाई बना लेती है या फिर भाई कहकर बुलाती है। कई लड़कियां किसी लड़के को भाई इसलिए भी बनाती हैं क्योंकि वो उस लड़के को जिंदगी भर अपने साथ रखना चाहती हैं, लेकिन समाज को इस बात से आपत्ति ना हो इसके लिए वह लड़की उस लड़के को भाई बना लेती है। इसके साथ ही एक बड़ी वजह यह भी है कि लड़का कभी भी उस लड़की के साथ दूसरा रिश्ता बनाने के बारे में ना सोचे, इसके लिए लड़की पहले से ही लड़के को भाई बनाकर उसे इशारा कर देती है। इससे इनके रिश्ते में कभी भी दरार नहीं आती और लड़कियाँ पूरी जिंदगी उस लड़के के साथ रहती है। क्वेश्चन नंबर 4, औरत का दिल कब टूटता है? आंसर, जब कोई महिला या लड़की किसी पुरुष या लड़के से सच्चा प्यार करती है तो वह अपने रिश्ते के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहती है। अपने प्यार को पाने के लिए ये हर जंग लड़ने को तैयार रहती हैं। ये अपनी लव लाइफ में हर खुशी भरने के लिए तैयार रहती हैं। लेकिन जब इतना प्यार करने के बाद भी उसे धोखा मिलता है तो अक्सर महिलाएं या लड़कियां टूट जाती हैं। दरअसल महिलाएं पुरुषों से ज्यादा इमोशनल होती हैं। महिलाएं कोई भी काम दिल की गहराई से करती हैं। इसीलिए लड़कियां प्यार भी सच्चे दिल से करती हैं। ब्रेकअप के बाद जाहिर सी बात है कि मन में नाराजगी, गुस्सा, निराशा, ईर्ष्या, उदासी और अकेले रहने का डर सताने लगता है। ऐसे समय में व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। बेशक ज्यादातर पुरुष 4-5 महीने के बाद सामान्य हो जाते हैं, लेकिन महिलाओं को सामान्य होने में, उस दर्द से बाहर आने में कभी कभी 1-2 साल लग जाते हैं। इस वजह से पुरुष के मुकाबले महिलाओं में तनाव और डिप्रेशन बढ़ने का खतरा ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि महिलाएं अधिक संवेदनशील होती हैं। कई महिलाएं बार बार कोशिश करती रहती हैं कि किसी तरह उनका पार्टनर उनके पास लौट आए। क्वेश्चन नंबर 5, प्यार कहां से शुरू होता है? आंसर, आजकल छोटी उम्र के बच्चे पढ़ने लिखने में ध्यान देने के बजाय प्यार करते फिर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि बहुत से लोग इन बातों का मतलब भी नहीं जानते, जैसे प्यार क्या है, प्यार क्यों होता है, जिससे गलतफहमी के कारण लोगों का दिल भी जल्दी टूट जाता है। फिर या तो वह देवदास बन जाता है या फिर कोई गलत कदम उठा लेता है। वैसे तो प्यार को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और न ही प्यार की कोई परिभाषा होती है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। ये एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जो दो लोगों को बहुत गहराई से जोड़ता है। यह एक ऐसा बंधन है जो दो लोगों को उनकी आत्माओं की गहराई से बांधता है। प्यार किसी से आसानी से हो सकता है, लेकिन आसानी से खत्म नहीं हो सकता। प्यार की शुरुआत इत्तेफाक से यानी आकस्मिक होती है, जिसे दो लोग महसूस करते हैं। प्रेम का अंत सुखद या दुखद हो सकता है। यदि दो प्रेमी विवाह करते हैं तो उनके प्रेम का सुखद अंत होता है, और यदि किसी कारण से उन्हें अलग होना पड़े तो उसे दुखद अंत कहा जाता है।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज ये बताए गए प्रश्न उत्तर आपको बेहद पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।